हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो WPS ऑफिस को लेकर के, यानी जो एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर है जो WPS ऑफिस में आपको मिलता है उसको लेकर के। अब ये WPS ऑफिस ही ओपन है। अब WPS ऑफिस की खासियत क्या है कि आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा WPS ऑफिस। जैसे इसको आप ओपन करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चीजें इस तरीके से अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो डॉक्स यूज कीजिए, पावर पॉइंट जैसा तो यहाँ पे स्लाइड दिया गया है, और यहाँ पे अगर एक्सेल जैसा यूज करना चाहते हैं तो शीट यूज कीजिए। और यहाँ पर आकर के हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लिख दिया लेकिन एस टी ऊपर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा सेकेंड, तो ये जो एनडी है वो ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड लिखता हूं तो आरडी जो लिखा हुआ है ये ऊपर आना चाहिए। तो ये लेकिन ऊपर आ नहीं रहा है, कैसे आएगा ये ऊपर? देखिए सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट हर जगह है, यहां पर भी आपको सेम शॉर्टकट मिलता है। क्या मिलता है? कंट्रोल वन। जैसे कंट्रोल वन प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके भी पहले क्या करना होगा हमको, उसके पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लीजिए, एक को सेलेक्ट कीजिएगा, काम सब में हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो इनेबल फिल हैंडल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से ये सारा काम हो सकता है, ठीक है। तो ये करना होगा आपको, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके कंट्रोल वन प्रेस कीजिए, और जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये फॉन्ट दिख रहा है और तमाम चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रू करना नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट भी नहीं करना, सुपर स्क्रिप्ट। तो बस यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे टिक करके ओके कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये इस तरीके की स्थिति में आ जाएगा। और अब आप नीचे अगर ड्रैग करते हैं और पूरा ही ड्रैग कर देते हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये इस तरीके की स्थिति में आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या इस समय सिचुएशन है, यहाँ पे सब ऊपर की तरफ आया हुआ है। ये एसटील ही लगा हुआ है, सेकंड लिखना है तो सेकंड वाला स्टाइल अलग है, वो कैसे लेके आएंगे वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऊपर की तरफ आए हुए हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर नीचे की तरफ लेके आना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड, ठीक है। अब ये सेकंड है तो इसके बराबर में आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, और कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कर देंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो जरा देखिएगा ये अब नीचे आ रहा है, देख सकते हैं। और इसको अगर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो थर्ड मतलब एनडी नीचे लग के आएगा, देख सकते हैं ना। तो इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और यही चीज जो है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि, जैसे मान लीजिए लिखा आर एम राम और यहां लिख करके, और यहां पर देखिए ये इसको सेलेक्ट किया और फिर यहां पर कंट्रोल वन प्रेस किया, और कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद अब यहां पर देखिए स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो ये देखिए राम कटा हुआ है इस तरीके से लिख करके जो काट दिया जाता है। और फिर यहाँ देखिए आर एम ए रामा लिखता हूं, और फिर जो है ये जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति लाने के लिए आपको यही करना होगा कि यहां से जाकर के ये स्ट्राइक थ्रू लगाना होगा। स्ट्राइक थ्रू पर टिक कर देंगे तो लीक करके काट दिया जाता है, ठीक है। और फिर हटाना होगा इस इफेक्ट को, तो फिर वापस से वही काम करना है, कंट्रोल वन प्रेस करके और ये स्ट्राइक थ्रू हटा दीजिएगा तो ये हट भी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है।